आज फ्रेंड्स महाराष्ट्र के सिद्धि विनायक नहीं, गुजरात के सिद्धि विनायक में लेके चलते हैं, सिद्धि विनायक मंदिर जो बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए वहाँ पहुँचने ही वाले हैं, फिर आपको मैं बताती जाऊँगी। तो फ्रेंड्स मंदिर के पास हम लोग आ गए हैं, तो ये अहमदाबाद के पास से अहमदाबाद है, वहाँ से अहमदाबाद से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सिद्धि विनायक मंदिर पहुँच गए हैं, तो चलिए अब आपको कैसे कैसे जाना है, मैं तो एक बार गई हूँ 4 साल पहले, और अभी कैसे कैसे वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो दर्शन के लिए तैयार है ना? तो फ्रेंड्स अभी तो हम लोग अहमदाबाद में थे, तो अहमदाबाद से ही आए हैं, पर ये बड़ौदा से मंदिर आने तक की दूरी लगभग 120 किलोमीटर के लगभग है। तो हम लोग मंदिर में, यहाँ पे चप्पल आप पहले खोल दीजिए, फिर ये कारपेट बिछा हुआ है, उस कारपेट पे सीधे आते जाएंगे, और यहाँ पे आ गए हैं एंट्री के पास। तो यहाँ पे प्रसाद लेने का है, तो यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं, वो हर रेट का है। और यहाँ पे एक कूपन है जो मैं आपको दिखाती हूँ, कि यहाँ पे एक VIP पास मिलता है। VIP पास 50-50 रुपीज का है, यानी पर मेंबर 50 रुपीज़। वो आप देख सकते हैं कि VIP पास है, यहाँ से एंट्री जाने का है, और यहाँ से जनरल वालों के लिए है जाने का। ये इधर से जा रही हूँ, तो इससे क्या ना, और इससे लिफ्ट से भी जाने का है, उधर से पैदल जाने का है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो इधर जैसे ही जो VIP पास का जो दिया हुआ है रास्ता, इधर बिल्कुल बच्चों को खेलने के लिए सारे झूले वगैरह बनाए हुए हैं, जो काफ़ी खूबसूरत है, और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, फुल एंजॉय, और सिद्धि विनायक जी का दर्शन भी हो जाएगा, गणपति बप्पा का। और यहाँ पर से जब हम लोग जा रहे थे तो वही वीडियो शूट कर रही थी, और फूड कोर्ट है, तो यहाँ पर आपको सारे वैरायटी के खाना मिल जाएंगे। और बस फूड कोर्ट के सामने एक सीढ़ी गई हुई है, यानी लेफ्ट साइड में, वहाँ से ये मंदिर दिखता है, और मंदिर के पास पहुंच गए हैं। तो ये लिफ्ट, जैसे जो VIP पास है ना, वो लिफ्ट से ले जाने के लिए है, तो लिफ्ट से जाने के लिए हमें पीछे के रास्ते से जाना है। और अगर लिफ्ट से ना जाएं तो उधर से रास्ते से जाएंगे, तो आपका मेन एंट्री दिखेगा, जो हमें नहीं दिखा। अभी हम लोग लिफ्ट में चढ़ गए हैं, उसके बाद जैसे देखिए मंदिर आ गए, सीधे जैसे जो लिफ्ट से आए हैं वो डायरेक्ट गणपति बप्पा के पास है, और जो जनरल से आएंगे इधर लाइन लगी हुई है। तो गणपति बप्पा का दर्शन जल्दी से कर लीजिए, बहुत मुश्किल से ये वीडियो क्लिप ली हूँ। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद भीड़ नहीं थी, मतलब वैसी भीड़ नहीं थी, दर्शन करने के बाद हम लोग 5 से 10 मिनट यहाँ पे बैठे हैं। और तो ये देखिए ये लाइन है, जब भीड़ होती होगी तो इस लाइन से होते हुए आना होता होगा, तो थोड़ा टाइम लगता होगा, इसलिए लोग VIP पास लेते होंगे जल्दी के लिए। और ये देखिए मूसक जी हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं कि इनके कान में जो भी बोलते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए, सब लोग बोल रहे थे, मैं वीडियो शूट कर रही थी। और यहाँ पे गुप्तदान है, जहाँ पे आप गुप्तदान कर सकते हैं, और इसी साइड से सीढ़ी से नीचे जाने का रास्ता है। तो अभी नीचे लेकर के चल रहे हैं, नीचे बहुत सारे और हर जगह के यहाँ पे गणपति जी हैं, जो आपको मैं सब शेयर करूँगी। चीन का है, नेपाल का है, और बांग्लादेश का है, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ, तो यहाँ पे बहुत बड़े शिवलिंग बने हुए हैं। तो ये शिवलिंग जो है ना, रुद्राक्ष से बना हुआ है, जो काफ़ी खूबसूरत था। तो मैं भी दर्शन कर ली, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और मैं 4 साल पहले भी गई थी, तो ये शिवलिंग मुझे नहीं दिखाई दिए थे, तो शायद उस टाइम बन रहा होगा। और इस तरह से पत्थर से बना हुआ है, और यहाँ पर बोलते हैं कि अगर मन्नत है तो यहाँ पर कॉइन वगैरह चिपकाने का होता है, अगर चिपक गया तो आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे नया देखने को मिला, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही थी, ये गेहूं के दाने हैं, जिससे अगर आपको कोई भी मन्नत रखना हो ना, तो उल्टा स्वास्तिक बनाएं, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो स्वास्तिक को सीधा करने के लिए आपको आना होता है। तो बोलते हैं कि मन्नत जरूर पूरी होती है, अगर हम सच्चे श्रद्धा और दिल से मांगे तो। तो यहाँ पे जैसे जैसे पहले गणपति बप्पा का, फिर शिव जी का दर्शन हुआ, अब यहाँ पे सारे गणपति जी बप्पा हैं, गणपति बप्पा हैं, और यहाँ पे माता रानी का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, वीडियो अच्छा लगे जय माता दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल पे जो फर्स्ट बार आए हैं, तो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी वीडियो थी,
मगर इसे छोटे वीडियो में मैं बना करके सब कुछ शेयर करने की कोशिश की हूँ। तो और इसमें जो VIP पास का था वो रेट में बताना भूल गई थी, तो वो 50 रुपीज का था और प्रसाद 20 रुपीज से स्टार्ट है और आपको जितना मतलब उसमें हर रेट का है तो आप कोई भी रेट का प्रसाद ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हर देश के गणपति बप्पा का दर्शन तो कर लिए और ऊपर से ही मैं दिखा रही थी आपको, कैमरा इस तरह से घुमा रही थी और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पे आयुर्वेदिक दवा भी लेना हो ना तो भी मिल जाता है। और यहाँ भी गणपति बप्पा हैं, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो शूट करना नहीं होता है, पर इस साइड एक साइड फ़ोटो शूट कर सकते हैं, एक साइड फ़ोटो शूट नहीं करना होता है, तो लोग फिर भी कर लेते हैं, जैसे मैं भी कर ली, वो भी मैं की हूँ, तो सिर्फ आप लोग के लिए की हूँ फ्रेंड्स। और सारे भगवान जी हैं यहाँ पे, तो दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे डॉक्टर की भी सेवा है और यहाँ पे आयुर्वेदिक दवा भी मिलती है और प्रसाद बाहर से ना ले पाए तो अंदर भी मिलती है। तो अब हम लोग यहाँ पे बाहर निकल आए हैं, यानी सीढ़ियों से नीचे दर्शन करते करते नीचे आ गए और यहाँ पर बहुत बड़ा घंटा है, उसे बजाने को होता है, तो मैं भी बजाई थी। चलिए फ्रेंड्स, पूरे मंदिर का दर्शन करवा दी, अब यहाँ पे फूड कोर्ट में लाई हूँ, तो जो भी इच्छा है आप लोग खा लीजिए। मेरा तो पेट एक्चुअल में भरा हुआ, मैं खा के निकली थी किरण के घर से, मगर यहाँ पे पानी पूरी और सेव पूरी खा रही हूँ जो बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी था। और मैं बता भी रही हूँ कि बहुत यम्मी है और बहुत खा ली हूँ। तो अब यहाँ के बाद अब हम लोग सीधे घर जाएंगे और बहुत सारे वीडियो हैं जो मैं धीरे धीरे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे एक्चुअल में मेरी बेटी का फ़ोन आ गया था दिल्ली से, क्योंकि वो लोग उधर मकान वगैरह देख रही थी, तो वही ऑनर से बात हो रही थी। और यहाँ पे जब आ रही थी तो मंकी दिख गया, तो उसका भी मैं वीडियो शूट कर ली। बस अब हम लोग पार्किंग में जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और कुछ पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो इंड करती हूँ और अब चलती हूँ सीधे बड़ौदा घर, और क्योंकि काफ़ी देर हो गया है, 4:15 हो रहा है, तो अभी हम लोग थक भी गए हैं, तो यहाँ से चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड को शेयर भी करें। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।